ओके, 12th क्वेश्चन. एज शोन इन द फिगर, अ सिलेंड्रिकल ग्लास वॉल कंटेन्स वाटर. नाउ हियर यू कैन सी अ ग्लास ऑफ सिलेंड्रिकल शेप इज गिवन हियर. ओके, नाउ इट कंटेन्स वाटर. अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट. ओके, अब इसमें वाटर है. अब हाइट आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है, किस लेवल तक पानी यहाँ पर है. ओके, सो हियर इट्स 30 सेंटीमीटर. नाउ अब मेटल स्फीयर में डाला हुआ है जिसका डायमीटर मेंशन किया हुआ है 2 सेंटीमीटर, राइट. नाउ आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. मीन्स आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, राइट, आप क्या करोगे, पहले वॉल्यूम फाइंड करोगे कि किस वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वाटर उसमें प्रेजेंट रहेगा, राइट. बट उसमें जब 2 सेंटीमीटर डायमीटर का मेटल स्फीयर डाला गया है, राइट, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, राइट. अब वो मेटल स्फीयर का आप क्या करोगे, वॉल्यूम फाइंड करोगे और उसमें से क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे. सो यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, नाउ डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर. ये यू कैन सी, राइट, आपको डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट विल राइट ऑल द गिवन वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस. द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास. ओके, डायमीटर क्या गिवन है आपको सिलेंड्रिकल ग्लास का, 14 सेंटीमीटर. देन ओके, नाउ रेडियस इज गिवन. अब आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना है, राइट. सो रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर अपॉन 2, राइट. सो दैट इज आर इज इक्वल्स टू 14/2, मीन्स 7 सेंटीमीटर. गॉट इट. सो आपको रेडियस पता है, सिलेंड्रिकल ग्लास का हाइट गिवन है, जिस लेवल तक वाटर है, राइट, 30 सेंटीमीटर हाइट है. सो आप फाइंड क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ग्लास, राइट. So volume of the water in the glass you will find out, and then you will find out the volume of metal sphere. Then you will subtract it to get the exact amount. Okay. So first here we'll write volume of the water is equals to. Okay. Now cylindrical glass, right? So we'll apply the we'll use the formula of cylindrical, right, shape. So now pi r square h, volume of the cylinder. Now we'll substitute the values. R की वैल्यू क्या है आपके पास, 7. सो हियर विल राइट 7 स्क्वायर इनटू h, h इज 30. ओके, नाउ कीप इट एज इट इज 5. फर्दर कैलकुलेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. नेक्स्ट 5 विल बी एज इट इज, वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 इनटू 7 स्क्वायर. सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, राइट. 7 स्क्वायर इज 49. देन हाइट इज 30. नाउ विल मल्टीप्लाई 30 एंड 49 एंड यू विल गेट द सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर प्रेजेंट इन द ग्लास. ओके, नाउ द मेटल स्फीयर प्रेजेंट है ग्लास में, राइट, तो उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो मेटल का स्फीयर है. सो हियर गिवन है आपको डायमीटर, राइट. सो नाउ लेट आर वन बी द रेडियस. लेट आर वन बी द रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर. ओके, सो आर वन की वैल्यू क्या रहेगी, डायमीटर अपॉन 2, राइट. सो डायमीटर की वैल्यू क्या गिवन है आपको, diameter is given as 2 centimeter, right. So here 2/2, that is 1, means radius ki value kya hai aapke paas, 1. So now you will use this value and you will find out the volume of sphere, metal sphere. Okay, so volume of sphere ka formula kya hai, 4/3 pi r cube, right. So volume of metal sphere is equals to 4/3 pi r cube. Now here we are supposed that radius is R1. Okay, so here we'll use R1. Now 4/3 as it is rahega, pi up as it is rakho, R ki value aapke paas 1 hai, so you write here 1 cube. So you will get 4/3 pi. Okay.
1 cube into pi will be pi only. Okay. Now, 4 upon 3 pi. We have the final value. So, 3 or 4 ko cancel kar do. So, 3 ones are 3. Then 1 is remaining. Decimal add kar, decimal lagaoge 0 increase karoge. 3 3s are 9. Again 1 is remaining. 3 3s are 9. So here you will get 1.33 pi. Okay. Now you have to find out the volume of water, right? Remaining in the glass means आप जब water जो metallic sphere डालोगे है ना तो तब volume कितना रहेगा water का. So what will be the volume? Volume in the glass minus volume of the water displaced, right? So, volume of sphere will be equals to volume of water displaced, right? So now volume of water remaining in the glass. Volume of water remaining in the glass. Is equals to volume of water in the glass divided up so minus karo kisme se volume of water displaced, right? Volume of water. इन ग्लास माइनस करोगे आप उसमें से वाटर डिस्प्लेस्ड. ओके मींस आपने जो भी द वैल्यूज फाइंड आउट करे 1470 पाए उसमें से आप क्या करोगे 1.33 पाए क्या करोगे सबट्रैक्ट करोगे राइट. सो 1470 पाए माइनस 1.33 पाए. ओके सो नाउ यू विल सबट्रैक्ट इट एंड यू गेट द फाइनल आंसर. मींस आपको क्या फाइंड आउट करना था यू हैव टू फाइंड आउट द वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास राइट. सो नाउ सबट्रैक्ट इट 1470 में से आपको माइनस करना है 1.33. ओके सो नाउ सब आफ्टर सबट्रैक्टिंग यू विल गेट हियर यू विल गेट 6 डेसिमल 8 6 देन 4 राइट. सो नाउ फाइनल आंसर इज व्हाट 1468.67 सेंटीमीटर क्यूब. So this much water is remaining in the glass. Okay. 12th question the solution. So you have to write down the final statement. Therefore, volume of water remaining in the glass is 1468.67 pi centimeter cube. Okay, so your practice set is complete.